गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सुनिधि ब्लॉग्स। आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मॉर्निंग भी हो गई है और मैं नहा भी ली हूँ और वो खाना बना रही हूँ किचन में आके। सब्जी बना रही थी। व्हाइट वॉश वाले भैया भी आ चुके हैं, वो सफेदी कर रहे हैं और भाई वो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्लियर सब्जी बना लेती हूँ। ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट हमारा सेट हो चुका है, बस छुटपुट हमारे पेंटिंग्स वगैरह जो रहेंगी हैं वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, थोड़ा कील वील लगवाएंगे जो थोड़ी बहुत लगवानी है। सुनील जी कह रहे हैं मैंने पेंटिंग्स भी नहीं लगानी दोबारा। सुनील जी ये बोल रहे हैं कि अब वॉल्स खाली रखनी है, उनकी पेंटिंग्स भी नहीं लगानी, एक आधी लगाएंगे जो, या घड़ी लगा दी मतलब जैसे, और या एक आधी वैसे फ़ोटो लगा दी, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा। वॉल क्लियर रखूंगा सारी, नीट एंड क्लीन। और भैया लोग आ गए हैं, वो काम कर रहे हैं। आज हमारा बेडरूम जो है वो कह रहे हैं भाई पूरा कर देंगे, तो चल के देखते आइए, आपको भी दिखाती हूँ क्या काम चल रहा है। पहला कोड कर रहे हो अभी? तो गाइस भैया तो अभी पहला कोड कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें जो है रूम में दीवारों पे फर्स्ट कोट स्टार्ट करा है। और सुनील जी दोबारा से जो पेंट है वो ख़त्म हो गया, तो वो दोबारा बनवाने गए हैं। अब वो लेने गए हैं, मुझे लग रहा है। मैं तो नहाने गई थी, आई हूँ तो घर पे नहीं है, तो पेंट ही लेने गए होंगे क्योंकि भैया बोल रहे थे लाने के लिए। तो चलो जी मैं अपना काम डन कर लेती हूँ। घर में खिलाना पड़ रहा है यार, आज शाम को हमने शादी पर भी जाना है, इनके फ्रेंड के भतीजे की शादी है तो आज वहाँ भी जाना है हम लोगों ने। तो चलो देखते हैं, घर में खिलाना डाला हो ना, वहीं जाने का मन भी नहीं करता। तो चलो पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई सुनील जी पेंट ले आए हैं बनवा के। 4 लीटर रॉयल एशियन पेंट हम करवा रहे हैं अपने घर में। तो भैया कर रहे हैं क्या, पहला कोड कर रहे हैं। चाय पियेंगे आप? हैं पियोगे? नहीं भाई, अभी तो शेक पिया आपने। ठीक है, बना दूंगी फिर आपके आधा कप। चलो भाई चाय बनाते हैं, भैया की भी और अपनी भी और सुनील जी की भी और मम्मी की भी, सबकी। ओके हैं, सफाई रह गई है। आज तो पूरा दिन ही लग गया आपको इस कमरे में। तो गाइस अपना कमरा तो डन हो गया है, हमारा कमरा हो गया वाइट वॉश। और उसके बाद मेरे को जाना है आज पार्क, घर में हो रही है वाइट वॉश। एक मिनट। तो गाइस मेरा कमरा तो डन हो गया है, हमारा बेडरूम हो गया है, आज वाइट वॉश हो गया बिल्कुल, पूरा दिन ही लगा दिया भैया उन्होंने। वो कह रहे हैं भी ढंग से काम होगा तो टाइम तो लगेगा ही, बट अच्छा लग रहा है। और अब मैं जाऊँगी तैयार होकर पार्क, बस थोड़ा सा फेस पे करूँगी, बिंदी लगाऊंगी। पार्क जाना है, हमारी कज़न चाची आज उनकी एनिवर्सरी है तो उनको सुबह मॉर्निंग में विश करने के लिए फ़ोन करा था, वो बोल रही थी कि शाम को पार्क ज़रूर आना। तो भाई जो भी है, समोसा ब्रेड पकौड़ा या पैटीज, जिस चीज़ की पार्टी होगी उसके लिए उन्होंने इनवाइट करा है। कि आपने मम्मी को भी बोला कि निधि को भी बोल देना, तो वहाँ चलेंगे थोड़ी देर। अभी घर पे ना कोई गेस्ट आ रहे हैं, एक बार उनको अटेंड कर लूँ बस। होपफुली वो जल्दी चले जाएँ, ज़रा टाइम ना लगाएं। तो जाऊँगी क्योंकि उन्होंने 2-3 बार मेरे को पार्क में भी बोला था और अब भी बोला था, और अब मैं पार्क जा नहीं दी 2-3 दिन से वाइट वॉश के चक्कर में। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में, तो वहाँ जो भी होगा आपको दिखाएंगे, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने अपने गेस्ट को चाय बना दी है और अब मैं जा रही हूँ पार्क, जरा चल के विश करते हैं चाची जी को। फटाफट जाऊँगी और फटाफट आऊँगी। मैंने कहा चलो उन्होंने बोला तो उन्हें बुरा ना लगे, इसलिए सुनो फैमिली वेडिंग में पहुंच गई ना हमारी, फैमिली वेडिंग थी ना ये, फैमिली में आ गए हम। नहीं भाई अपने कुटुंब का ब्याह नहीं छोड़ सकते हम। हाँ नहीं वैसे तो जरूरी है। अरे आ तो कल भी जाती, बस वही थोड़ा सा ना घर ऐसे फैल रहा है, सफेदी हो रही है ना पूरा। बर्थडे मुबारक हो बेटे का, आज इनके बेटे का बर्थडे है। समीर को विश कर देना हमारी तरफ से, बोलो भाभी ने विश करा है। आंटी किस लिए उतार रहे हो डेकोरेशन? दुल्हन की, दुल्हन की जुड़े के लिए। भाई छोरे की माँ पर्स लेके आई आज बड़ा सा। माँ जी डांस करेंगे ना, आपने पैसे लुटाने आज? सौ रुपए तो बैठ गई, 4 नोट ले रही है।
अरे बहुत है घड़े फूल हो गए। हाँ बहुत है, बस बहुत है दीदी। अरे आ जाओ सारी होके थोड़ी लगाने। कचौड़ी आ गई है, कौन सर्व करेगा? आओ प्लीज, वो सब्जी ले आने। फोटोग्राफर आ जाओ, गर्ल्स आ जाओ प्लीज, कम आ जाओ आ जाओ। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल आप नहीं आए थे? चलो भाई सबको हो गया, कर रहे हैं आप एंजॉय? सब खाने पीने में व्यस्त है तो अनाउंसमेंट कर दो, जिसकी भी एनिवर्सरी है कृपया ठंडा ही मंगाए। किसकी है बताओ, किसकी है भाई? 11 तारीख की उसकी है, मेरी तो नवंबर में है, परसों। वो सुनीता आंटी की, उनकी जिठानी की, जिठानी की। अच्छा वो तो आज ही नहीं, नवंबर में, 11 को कह रही नवंबर में। हम आठ गई हूँ मैं, मैं तो एक बार ही खाई है बस, मैंने भी एक बार ही खाई थी, सारी चली जा गई। मैं कह रही हूँ 80 में सारे यूं करेंगे। कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें मुंह ये दांत भी चल जावे। सुनो 80 साल से सारे ही बढ़िया बन कैसे कर जाएंगे? कोई बात ना, सब के रसगुल्ले ले आई अपनी को, जिसके शुगर है वो निचोड़ के खा ले। नहीं भाई, है जिसके शुगर है वो निचोड़ के खा ले। चलो भाई ब्राइडल का श्रृंगार होगा। चाचा जी ये ना कहते बेची कौन सी थी आई कौन सी पता लगे वो तुम ऐसे सजा रहे हो, घर घर में बटन देना दे इनको। बहुत शरीफ आदमी मिल रहा है, दुल्हन तैयार कर रहे हैं, दुल्हन फूल से अच्छा लग रहा है भाई। एक सजाओ 10 सजाओगी तो वाह वाह जूड़ा, क्या जूड़ा, क्या जूड़ा बनाया, वाह भाई वाह, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, डिमांड कर दी भाई इसको बैठा के ना, डांस परफॉर्मेंस करना अलग होना चाहिए। ब्लॉग में देखना, ब्लॉग में आधा कम कर लो। हाँ हो गए हो गए, ओके ओके, मैं सही लग गए। भाई तुमने सासू माँ को तो उनकी साइड में बिठा दिया है, मैं तो आशीर्वाद लेने जाएगी ना तैयार होके। अच्छा अभी तो तैयार बंगालियों की तरह।
तो भाई सारे एक्साइटेड है, फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं। कितने साल हो गए? 40 साल। वाह भी वाह, चलो जी बहुत अच्छी बात है। A few moments later. घर आ गई हूँ, मैंने चेंज भी कर लिया है और आपने एनिवर्सरी देख भी लिया, कैसे एंजॉय करा है सबने। और हमारा रूम भी डन हो गया, रूम दिखाओ प्लीज। तो गाइस हमारा रूम भी हो गया डन, पूरा व्हाइट वॉश हो चुका है इसके अंदर, डन हो गया है। अब मैं एक बार इसमें मोटा मोटा पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे रेडी होकर हमें शादी में भी जाना है आज, किसी की मैरिज है उस पर जाना है, तो मैं फटाफट पोछा लगाऊँ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं मजेदार नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।